तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, इस भाई की बेगम ने कहा है कि साबुन लेकर दें वरना घर ना आए हैं, जाम माजिद की शॉप पर, तो आपको वहां का विज़िट भी करवाते हैं, बहुत ही सुपर व्लॉग है, एंजॉय करें। तो जाम माजिद की शॉप पर जा रहे हैं, इस भाई की बेगम ने कहा है कि मुझे साबुन लेकर दें, मैंने कपड़े धोने हैं। तो कपड़े धोने, हाँ तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पर शॉपिंग करेंगे। ये स्कूल है और पीछे से जाम माजिद का घर है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों असल जो मज़ा होता है ज़िंदगी का वो है इंजॉयमेंट। आप दोस्तों को भी चाहिए कि एंजॉय करना चाहिए आपको। ये अब इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सी फसलें हैं और ये देखिए खूबसूरत से मनाजिर। और हमारा सफ़र बहुत ही दिलचस्प, तो फ्रेंड्स अभी कुछ देर में छोटी सी गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में इजहार राय ज़रूर दिया करें। ये पीछे से एक और मोटरसाइकिल आ रहा है। हम जो है फीड फार्म फैक्ट्री के साथ खड़े हुए हैं और ये ऊपर के मनाजिर हैं। अभी हम आपको एक और चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पर क्लोज फैमिलीज और बहुत से जो है लोग बैठे हुए हैं, तो उनका भी जो है आपको विज़िट करवाते हैं। ये जो है फीड फैक्ट्री है, यहाँ पर मुर्गियों की खुराक बनती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बलोच ब्रादरीज बैठे हैं, ये अजहर भाई खड़े हुए हैं और ये ऊंट हैं। और चलो चलो ये रोड है लिंक रोड जिस पे हम जा रहे हैं। और यहाँ पर और कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर लोग जो है खाना बदोश हैं और बलोच हैं, पठान हैं बैठे हुए हैं, उनके घर हैं। अभी वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा जिस ये लिंक रोड है, इस पे भट्ठा है, दिस इज़ द भट्ठा, इसको भट्ठा बोलते हैं। हम भट्ठे पर मौजूद हैं और पहुँच गए हैं, तो अभी वहाँ पर शॉपिंग करते हैं और हमारा जो काम है वो फाइनल करते हैं। ये रोड है और जी अब हम पहुँच गए हैं। ये तो प्यारे व्यूवर्स अब हम पहुँच चुके हैं जाम माजिद किराना स्टोर पर, वहाँ पर जो हमने ख़रीदारी करनी है वो ख़रीदारी करेंगे। और ये इनका छोटा सा एक बिज़नेस है और उनसे पूछेंगे कि वो कैसे कारोबार करते हैं और इनको क्या जो है रोज़ी मिलती है। ये माजिद भाई ट्रैक्टर चला रहे हैं और अभी हम माजिद भाई से कुछ बातें करेंगे। वो कह रहे हैं जी मैं वीडियो पर नहीं आऊँगा, लेकिन हम उनको वीडियो पर ले आएँगे। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत से मनाजिर और पट्ठा की लोकेशन। ये हमारा चौक है, इस पे तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल होती है, खाने की हो सब्ज़ी हो। ये बाईपास KLP रोड के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके आपको व्लॉग की सूरत में दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। अभी हम माजिद भाई की शॉप के अंदर जाते हैं और उनकी शॉप के जो जो सामान रखा है वो भी आपको दिखाते हैं और उनसे चंद बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, ये
अब मौजूद हैं किराना शॉप पर। ये छोटी सी जो है विलेज की शॉप है और ज़बरदस्त जो है इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि हमारा चैनल है पाकिस्तान विलेज लाइफ, तो हम कोशिश करते हैं कि विलेज की जो खूबसूरती है और विलेज में जो चीज़ें होती हैं वो आपको दिखाते रहें। तो आप दोस्तों को करना ये होता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि पाकिस्तान का कोई विलेज, कोई कस्बा, कोई टाउन आप से जो है रह ना जाए। तो आपने सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है वीडियो को, कमेंट्स में अपनी ज़ाहिर राय ज़रूर देनी है और शेयर ज़रूर करना है। अभी जो है माजिद भाई भाग गए हैं शॉप से, बाहर निकल गए हैं, लेकिन हम उनको बुलाते हैं और उनसे चंद बातें पूछते हैं कि उनका कारोबार कैसा चल रहा है। आप उनकी शॉप देख सकते हैं, ये विलेज की शॉप है, तो बहुत ही थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। भाई भी आ गए यार, सामान दे, हमने आपसे सामान लेने, आप भाग गए। नहीं नहीं, उनके उनके पकोड़े खाएंगे हम, आ जाएं पहले, इधर आ जाएं यार, आपके कस्टमर आए हुए हैं भाई, इधर आए। ये देखिए वो भाई जो है दुकान छोड़कर बाहर भाग गया है, वो कहता है जी मैं क्या मेल खा डे। ये है जी विलेज के शॉपकीपर, जो अपने मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, तो शॉप छोड़कर बाहर भाग गए हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने सब कुछ रखा हुआ है। ये अजहर भाई हैं जी। अजहर भाई शॉपकीपर कहाँ चला गया यार, क्यों नहीं आ रहा? जब अक्कल आती है तो शादी हो जाती है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, शॉपकीपर कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा यार? बुला उसको यार, हमने इधर आए हैं शॉप से खरीदारी करनी है, वो आ ही नहीं रहा। आ गया भाई, हेलो, दुकान दुकान पे कौन है सर? आ जाए यार, आ जाए यार। ये अजहर भाई जो है खुद से जो है कर रहे हैं। भाई कहते हैं जी मैंने हाथ मुंह नहीं धोया हुआ तो मैं जो है नहीं आ सकता, लोग क्या कहेंगे। अजहर भाई जो है सामान निकाल रहे हैं और खुद ही दुकानदारी कर रहे हैं। ये देखो तोले भाई कितना हुआ है भाई, ये एक किलो साबुन लिया है हमने, इसी के लिए हमने हम उधर से यहाँ पर आए थे जो जी। तो ये जो है अभी हमने साबुन ले लिया है, तो भाई जान आए पैसों तो ले ले यार अपने। नहीं सामान भी हम तो हम उठा लें और पैसे भी खुद डाल कर जाएं। आ जाएं यार, आ जाएं। वो आप देख सकते हैं दूर जो है भाई बाहर जाके बैठा, बहुत टेस्टी है, ज़बरदस्त है उसका जाएगा। हम उनकी शॉप पे हैं और यहाँ पर केक खा रहे हैं। बंदा का यार बंदा नहीं हुआ। उसके बाद चलते हैं फिर घर, फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अभी आपको वहाँ पर दिखाएंगे, एक बंदा गरीब है, रेडी लगाई हुई है उसने, तो वहाँ पर जो है उससे चंद बातें करते हैं, फिर आपको वो भी दिखाते हैं। हम बाहर जा रहे हैं, वो बैठा है वो वाला, ये है, ये शॉपकीपर है जी, ये जो है डर रहा है, ये नहीं आला। तो ये लिंक रोड है और ये जो है प्याज और आलू टमाटर सब मौजूद है यहाँ पर। ये छोटा सा चौक है, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। ये जी ये बैठा है जी, ये शॉपकीपर अभी भाग रहा है, ये जो है ना ये नहीं आ रहा था। अभी हम एक और गरीब और मेहनत कश के पास मौजूद हैं, जहाँ रमज़ान अहमद, वो रेडी लगाते हैं और पकौड़े समोसे बनाते हैं, चाय भी होटल खुला हुआ है तो उससे रोज़ी करते हैं जी। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं उसकी तरफ, खूबसूरत सी साथ में मस्जिद भी है जी। ये हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक हो, खैरियत, तबीयत ठीक है? सही, शुक्र अल्लाह, खुश, ब्याह अमन अमान है? सही, अमन अमान, माशाल्लाह सही। तुसा सही इतना रेडी ले दो, माशाल्लाह रेडी लेने आ, बच्चा दा गुजारा करने आ, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसा ए दस बने ने आ, पकोड़े बने ने आ, समोसे बने ने आ, सारे देखण वाले को ए दसे सो के तुसा कितने अरसे तो काम करेंदे पियो, ते क्या तुसा को रोजी बच वेंदी है, कितना गुजारा थींदे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा दी रोजी बनदी पई है, 200 400 500 रोजी बच वेंदी है। सही,
ਛੱਡੀ ਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਗਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਵਾਰਾ ਔਰ ਨਾਕਾਰਾ ਵਦਨ ਘੁੰਮਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਤੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਠੇਲਾ ਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਵੇਲਾ ਫਿਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੀਲਾ ਰਿਸਕ ਬਹਾਨਾ ਮੌਤ, ਰਿਸਕ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ, ਅਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨਾਸ, ਰਾਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹ ਤੇ ਗਏ, ਵਾਪਸੀ ਹਨ ਜਵਾਨ ਖਤਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 500 ਬਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 400 ਬਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 300 ਬਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ, ਮਤਲਬ ਹਮ ਇਸਕੋ ਬੈਠਾ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਆਪ ਇਸ ਰੋਜ਼ੀ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ। ਔਰ ਆਪ ਕੋਈ ਆਪਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਇਸੀ ਮੇਂ ਹੀ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਹਸਰਤ ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹਸਰਤ ਤੋ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਸੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਲ ਕੀ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੁਝੇ ਇਤਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰ ਉਸੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਔਰ ਈਦਗਾਹ ਕੇ ਲੀਏ ਵਕਫ ਕਰ ਦੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਯੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਯੇ ਹਸਰਤ ਹੈ ਆਖਰੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਾ, ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਇਨਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੈ, ਯੇ ਇਨ੍ਹੋਂਨੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਰੇੜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਾ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਊਂ 2-3 ਕਨਾਲ ਕਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਹੈ ਵਕਫ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਔਰ ਈਦਗਾਹ ਕੇ ਲੀਏ ਵਕਫ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। ਤੋ ਯੇ ਥੇ ਜਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ ਸੇ ਆਪਕੀ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਾਈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਸੁਣਵਾਏ, ਉਨਕੇ ਅਹਵਾਲ ਯੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਨੇ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਹਮ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਔਰ ਉਨਸੇ ਕੁਛ ਬਾਤੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਯੇ ਇਨਕਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹੋਂਨੇ। ਯੇ ਜੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਥੀ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ, ਤੋ ਯੇ ਉਨਕਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਯੇ ਚਾਏ ਕਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਪਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਯੇ ਇਸੀ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਕਰੋੜ 5 ਕਿਸੀ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਯੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਯੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਨਕਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਹਮਾਰਾ ਵਲੋਗ, ਯੇ ਆਪ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਂ ਹਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਐਸੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪ ਉਨਸੇ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਵੋ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਕੈਸੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹਾਂ ਜੀ, ਯੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਜੋ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਇਨਕਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹੋਂਨੇ ਚਾਏ ਔਰ ਅੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਪਕੀਪਰ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਉਸਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੇਕਰ ਆਪਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏਂਗੇ। ਅਭੀ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਜਾਨਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਤਰਫ ਹਮਨੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਦੋਸਤੋ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਫਿਰ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇਂ, ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇਂ, ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂ, ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਆ ਕਰੇਂ ਔਰ ਐਸੀ ਔਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਰਹੇਂ ਜੀ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਹਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਘਰ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਏ ਵਲੋਗ ਮੇਂ ਨਏ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ, ਤਬ ਤੱਕ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।